राजनीति में कदम रखने के बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जल्द ही बड़े पर्दे पर भी जोरदार वापसी के लिए तैयार हैं। दरअसल सनी देओल की फिल्म ब्लैंक 3 मई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। हालांकि फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बज नहीं है, लेकिन सनी के राजनीति में आने के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि सनी देओल देशभक्ति के रंग में रंगी फिल्में करते आ रहे हैं और ऐसी फिल्मों पर उन्हें जनता का जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। लेकिन क्या इस बार भी वो बॉक्स ऑफिस पर वही कमाल दिखा पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो सनी देओल की ब्लैंक भी देशभक्ति के रंग में रंगी हुई फिल्म है, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस पर चल पाना मुश्किल ही लग रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो सनी की ब्लैंक को लेकर दर्शकों में कुछ खास क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही ट्रेड एक्सपर्ट्स इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसके साथ कोई और बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसका इस फिल्म को थोड़ा बहुत फायदा हो। वहीं हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पहले से स्क्रीन पर होने का नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि एवेंजर्स एंड गेम बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और जिस तरह का क्रेज इस फिल्म को लेकर दिख रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस हॉलीवुड फिल्म के आगे टिक पाना आसान नहीं है। वैसे भी सनी देओल भी पिछले काफी सालों से लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्म ही दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिट सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि सनी देओल को राजनीति में कदम रखने के बाद बॉलीवुड की तरफ से पहला झटका लगा है। बता दें कि इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अक्षय कुमार के साले करण कपाड़िया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में श्वेता दत्ता भी नजर आएंगी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या सनी देओल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अरे लुक राइट। अरे नहीं रुक, इधर आएगा ना, इधर बुलाएंगे, रुक। देखो याद रखो करण भाई, इधर आओ। अरे वेट कुछ पूछने वाले क्या करते हैं? लेना है, कौन पकड़ेगा? नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि ये पिक्चर हम 3 सालों से बना रहे हैं, तो अभी जाकर जब रिलीज़ हो रही है, सब देख रहे हैं, स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, बट आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट। मैंने पिक्चर देखी है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वेल, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट। नहीं, उन्होंने तो देखा है थोड़ा रशेस वशेस जो भी है, बट फिल्म फर्स्ट टाइम देखने वाले, बट जैसे कि मैंने कहा मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, तो आई थिंक सबको पसंद आएगी। सनी पाजी आजकल इलेक्शन के दौर जी, उनसे कुछ बात हुई आप? नहीं नहीं, उनसे कुछ बात नहीं हुई। इनफैक्ट जब से अनाउंस हुआ है मैं उनसे मिला तक नहीं, तो आई डोंट नो। नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा है कि पहले इंटरव्यू में भी कि सबका अप्रोच अलग होता है, तो जो सनी सर के लिए काम करता है नेसेसरी नहीं है कि मेरे लिए भी काम करे, तो मैं बस अपने काम पे फोकस करता हूँ, मेरा खुद का अप्रोच है और बस मैं अपनी तरीके से करता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आई थिंक मुझसे ज़्यादा उन लोग एक्साइटेड है, बहुत सालों से मेरे फ्रेंड्स हैं और आई थिंक यू नो दे लाइक माई ब्रदर्स, सो टू शेयर दिस डे विद देम आई थिंक वो मेरे लिए और भी बड़ी बात है, एंड इट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। पूछ लो, ट्रेलर कैसा लगा? अच्छा ही लगा जी। नहीं, आई थैंक यू गाइज सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो वेल टू द ट्रेलर। जैसे कि मैंने कहा, बहुत मेहनत से ये पिक्चर बनाई है, 3 सालों से हम लोगों ने इस पर मेहनत की है, तो अब जाकर जब आप लोगों को पसंद आ रही है तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। जी,
मेरे कुछ थॉट्स नहीं है, आई थिंक ट्रोल्स तो हमेशा रहते हैं। आप कुछ अच्छा काम करो, बुरा काम करो, पिक्चर में काम करो, गाना गाओ, देयर ऑलवेज गोना बी ट्रोल्स। तो आई थिंक दैट डजंट बॉदर मी टू मच। आप रेडी हैं बॉलीवुड के ट्रोल्स को जवाब देने के लिए? इट डजंट बॉदर मी, मैं पढ़ता नहीं हूं तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। तो लास्टली क्या आप कहना चाहते हैं अपने फैंस को आज के लिए? फर्स्टली मैं कहना चाहूंगा कि आई डोंट हैव एनी फैंस येट, होपफुली इस पिक्चर के बाद वो बात थोड़ी बदल जाए। And I just want them to enjoy the film. You know, we've, like I said, worked very hard on it. So hopefully you guys go to the cinema, support us. Bahut sare newcomers hai, director bhi first time. So I just hope you guys go, support us and watch the film. That's all. Thank you. Thank you. पहले तो भिड़ू सबको प्यार प्रणाम। अगर मेरे को अपने टोस्ट पे खड़ा रहना पड़ रहा है, मतलब समझ जाओ सनी बाबा के सामने कोई खड़ा रहने के लिए बहुत दम चाहिए बॉस, और बच्चे में बहुत दम है, बहुत दम है। और आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। सिंपल जी, लव यू टू मच, ब्लेस यू। Hello, ma'am. How are you, my love? How are you looking lovely? Thank you, darling. All the best, sweetie. Thank you for coming. See you guys. Where? Are you? No, I'm going to come. So, check out Karan's debut. Have you personally given me anything? I don't need anything to give me. Today, the kids are all strong. I've seen their film, it's a short film. It's very short. It's very bad. It's very silent. It's very shantita. He's really, what I like about him is his calmness, his seething anger. It's like, it's inside, bro. Sab andar hai, aankh se dekhenga, dekh lena, bro. Abhi ja raha hu main, trailer to bahut bhari hai, bro. Abhi mero picture dekhni thi. Tu mere ko ye bata, agar bachcha apna exam mein acha karta hai to apne tere papa ko kaisa lagta hai? I love it. मैं क्या बोलूँ अपने बच्चे के बारे में, दादा नहीं बोलता, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा जान में करण मैम, मैम अपने राइट में देखा ही नहीं। थैंक यू। मैम करण के साथ मैम, ये सेंटर मैम, सेंटर अभी भाई सामने सामने मैम, सेंटर में अक्षय सर सामने, ऑल ऑफ यू सामने, टीना मैम ट्विंकल मैम सामने सामने, नाउ योर लेफ्ट साइड मैम थोड़ा थोड़ा अक्षय सर राइट सामने सामने मोटा व्यू सेंटर सर अच्छा सर।
सर सेंटर सर लेफ्ट सर सामने सर 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 रोड रोड चलो ठीक है सर्वेंट पी के आओ कितने एक्साइटेड आपने आज इस एक्साइटेड फॉर लॉट ऑफ डेब्यूज बेहजाद खंबाटा का डेब्यू हो रहा है जो राइटर है उनका डेब्यू हो रहा है करण कपाड़िया का डेब्यू हो रहा है तो इन लोगों के लिए तो मेरी गुड विशेज हैं फॉर श्योर उन लोगों ने बहुत मेहनत की है करण ने भी बहुत अच्छा काम किया है जो डायरेक्टर है उसने भी बहुत बहुत मेहनत की है ढाई साल से लगे हुए हैं पिक्चर के पीछे फाइनली सीइंग द लाइट ऑफ द डे सो आई एम रियली रियली ओवरवेलम्ड जी रोहित किरदार का नाम है कॉप का रोल प्ले कर रहा हूँ ETS ऑफिसर है सनी सर के साथ मिशन एक मिशन पे जाते हैं हम जब हमें पता चल जाता है कि कैसी सिचुएशन आ गई है और उसका क्या सिचुएशन का हल होने वाला है वो निकालना बेसिक मकसद वही है सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बड़ी हार्ड हिटिंग दो घंटे के नीचे की फिल्म है लोगों को बहुत पसंद आएगी पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी it was a complete surprise because set pe kabhi aisi baat nahi hui but whatever endeavor he is doing I wish him all the best for his endeavor as a politician dekhte hain aap sahi baat as a human being he is nice to I'm zarur main yahi chahunga ki jo bhi apne desh ke liye kare acha hi kare thank you बहुत एक्साइटेड हूँ करण को मैंने देखा जब से वो छोटा था और ही इज़ रियली वर्क हार्ड एंड आज मैं देख नहीं पा रहा फिल्म बट बिजी हूँ तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर द प्रोमोज आर लुकिंग वेरी गुड सो लेट्स सी कुछ टिप्स दी अपने पर्सनली कि इस तरह के वे में रहना है बॉलीवुड में या ऐसे कोई टिप है ही नहीं अगर होती तो सब सीख जाते हैं जल्दी से यू हैव टू वर्क हार्ड एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट All I can say is that I love my brother and I know he's going to do his best. He's a good Bobby's the best. Yes, I'm the best. Akshay sir, Akshay sir. Nothing, yeah. So that's it. I'm just proud of my brother and he's going to do really good work if he gets elected. And it's bahut acha tha. Log hame bahut pyar karte hain. Papa se leke hum mujh tak. Hamare liye itna pyar hai hamari family ke liye aur hum we are just hoping for the best and trying our best okay thank you are main puri industry ke bare mein baatein karenge abhi hum so mamu is a great guy and his movies are always big and interesting so I think he's going to rock mamu sir finally sir aage chalke ki hum bhi aapko politics mein dekh pa rahe koi kuch nahi keh sakta kisi ki zindagi ke bare mein kabhi bhi koi bhi mood aa jaye aur insaan wo kadam utha leta hai kisi cheez ke liye so I have no idea thank you sir Yeah.